नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ, हवा बदली कि नहीं बदली? जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। वोटिंग जो होने गन्ने के चुनाव पे, गन्ने के रेट पे होनी है और बेरोजगारी पे होनी है और जुमलेबाजी पे होनी है, क्योंकि सरकार जुमलेबाजी है और झूठ के सहारे चल रही है। कहती कुछ है, करती कुछ नहीं। इनका सबसे पहला वायदा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करने का, जो कि इन्हें गंगा जी पे भी आए थे, वहाँ भी कसम खा के गए थे, तब वो भी नहीं इनका पूरा हुआ। अब इन्हें 5 साल हो गए, आज तक तो भुगतान हुआ नहीं, आगे ये क्या करेंगे? ये तो जुमलेबाजी है इनकी। फिर सबसे बड़ी बात, ये बछड़े गाय बिजार ये घूम रहे हैं खेतों में। भाई, आपसे पहले तो नहीं घूमते थे ये? इनके शासन में ऐसा क्या है? अब किसान अपने काम करे या इनकी रखवाल करे रात को या दिन में? किस सरकार को लाना चाहते हैं? असलम चौधरी को, गठबंधन का हमारा प्रत्याशी है असलम चौधरी, उसके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रधान कुलदीप बाना और बब्बल चौधरी है। कुलदीप जी, मुद्दे क्या है गाँव के लोगों के, किन मुद्दों पर लोग वोट देने वाले? वोट एक तो झूठे वादों से लोग बड़े परेशान हो चुके हैं और झूठी इनका मकसद है और जुमलेबाजी पे वोटिंग होने वाला है। तुम देखते हो आवारा पशु चल रहे हैं खेतों में, खेतों का भन्यास उड़ा दिया इन्होंने। अब तो यही है, राष्ट्रीय लोक दल को वोट देनी है, गठबंधन को वोट देनी है हमें। तो ये जो हमला है सुनिश्चित हमला था, ये ओबीसी बीजेपी का पार्ट टू है। असलम चौधरी चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से ये लोग जो है नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ये हथकंडे अपनाते रहेंगे। इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, भाईचारा है, भाईचारा रहने वाले हैं। यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। एक आज के टाइम में बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, गार्जियंस परेशान है, किसी का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, खेती का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और क्या होगा इसमें? और रही बात इसकी, आज तक जहाँ भी कहीं उन्होंने मुठभेड़ करी, बदमाशों ने चोरी, एक साइकिल भी चुरा ली, उसने गोली मार के उसे पेश करा इन्होंने। आज इतना बड़ा हमला हो गया उस पर, आज साल में एक थ्रेपटा भी नहीं मारा उसके मुंह पर, उसके पर जो ओबीसी पे हमला हुआ है, कि गोली उसके क्यों नहीं मारी, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा, जो सबका एनकाउंटर कर रहे हैं। करना चाहिए था नहीं? इतने में हर तरह के लोग इतने बेवकूफ नहीं जो पहला हुआ करते थे। वो जमाना बदल गया। तो जनता की तरफ से संदेश क्या है इन नेताओं के लिए जो इस तरह की राजनीति अगर आप कह रहे हैं कर रहे हैं? इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनका जवाब है वोट। अगर हम वोट देंगे तो ये अपने आप टूट जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है, मैं राष्ट्रीय लोक दल का जिला महासचिव हूँ। ये बताइए कि राष्ट्रीय लोक दल कितनी मजबूती से जनता के बीच में जा रही है और किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, अगर जनता के बीच में सबसे मजबूती से कोई पार्टी जा रही है तो राष्ट्रीय लोक दल जा रही है। हम जमीन पर रहकर राजनीति करते हैं, हवा में राजनीति नहीं करते। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। हम गांव की, गरीब की, मजदूर की, किसान की राजनीति। देखिए, उनकी मजबूरी उन्हें पता, विकास उनका बातों में, जमीन पर विकास नहीं है। वो कहने को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर समुदाय से आते हैं, ठाकुरवाद बहुत है, जातिवादी है, हिंदुवाद की बात करते हैं, बाकी उनके व्यवहार में जातिवाद है। अब देखिए, धोलाना विधानसभा, धोलाना की बात करते हैं, धोलाना तहसील है कहने को, बाकी आज वो ग्राम पंचायत है। हमारे मुख्यमंत्री में अगर विकास की बात करें तो तहसील से उसे अपग्रेड नहीं करा गया, नगर पंचायत में अपग्रेड नहीं करा गया, ये इनका विकास। गठबंधन की चल रही है, 1977 का जो माहौल था उससे भी अच्छा माहौल इस बार गठबंधन के प्रति है। वो दौर याद आता है, जयप्रकाश नारायण जी वाला, उन्होंने दो नारे उस समय दिए थे। उन्होंने कहा था, नए युग की जिनको तलाश उनका साथी जयप्रकाश। उन्होंने कहा था, दूसरा नारा दिया था, अगर सच कहना बगावत है साथियों मैं भी बागी हूँ। तो वही दौर आ जाए। अब की बार जयंत सरकार और किसानों ने, युवाओं ने, मजदूरों ने ये ठान लिया है कि अब की बार योगी जी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है और जयंत की सरकार को लाना है गठबंधन। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा दी है, बेटियों को सुरक्षा दी है, गन्ने का मूल्य दिलवा रहे हैं, अवैध स्लॉटर हाउस बंद करा दिए हैं, सब जुल्मेबाजी है उनकी। अगर बेटियों की सुरक्षा की बात होती तो हाथरस में एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार होने के बाद रात के 12 बजे के बाद, जबकि हिंदू संस्कृति में रात के 12 बजे कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता, उसको पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाया गया। ये सब झूठे और जुल्मेबाजों की सरकार है। 14 दिन में पेमेंट की इन्होंने बात की, आज भी सिंभावली सुगर मिल हापुड़ जिले में आती है, इन्होंने पिछली साल के मार्च का भी अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं। बहुत स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास,
स्वास्थ्य है, कॉलेज है, टोटल मुद्दा हमारे राष्ट्रीय पार्टी का बिजली है, अपासी है, किसानों की पेमेंट है, बहुत सारे वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, और आपका जो रिटायर मास्टर हैं, सिपाही हैं, उनकी जो पेंशन खत्म कर दी थी उसकी बहाली की, ये सारे विकास को लाया। अच्छा, हाल ही में अभी ओबीसी साहब पे हमला हुआ डासना टोल टैक्स पे, उस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद लोगों में भ्रांतियां आ गई है कि कहीं ना कहीं राजनीति है या क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? कोई भ्रांति नहीं, जिनके साथ हुआ उन्होंने जवाब दे दिया। तो लोगों का साथ कितना मिल रहा है? लोगों का भरपूर साथ, आप देख लें, कम से कम 2.25 लाख वोट, 300 पार पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ मुझ पर 2 लाख से प्लस वोट। क्या कहना चाहेंगे, गठबंधन की कितनी हवा चल रही है? हवा तो पूरे प्रदेश में है, और इस विधानसभा में तो हिंदू मुस्लिम का जो है, जो भाईचारे की मिसाल है, लगभग 1 लाख वोट जीत होगी। ये चुनाव हर बिरादरी के मान सम्मान का चुनाव है, ये किसान का चुनाव है, मजदूर का चुनाव है, जिन लोगों का इन लोगों ने लाठी बरसाई है और थप्पड़ मारे हैं उनका चुनाव है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ उनका चुनाव है। बड़े भाई असलम चौधरी को जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की झोली में गिरने का काम इस विधानसभा से करेंगे और मंत्री बनाकर लेकर आएंगे इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए हैं उनकी लड़ाई है, हम एक एक लड़ाई के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं, और इस प्रदेश में नहीं, इस विधानसभा में नहीं, ये बहुत लंबी लड़ाई है, किसान की और मजदूर के हकों की लड़ाई है। लोग जिन्होंने गठबंधन की हवा बताते हुए यहाँ पर पूरे अपने मुद्दों को सामने रखा है और विश्वास जो है गठबंधन